अकोला जिले की रामदा सपेट पुलिस ने एक व्यक्ति को 28 किलो गांजे के साथ हिरासत में लिया है। बता दें कि जिले के एसपी बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में रामदा सपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनोज बुहरे ने द्वारा अवैध मादक पदार्थों की जांच का अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर के अकोट स्टैंड पर एक अज्ञात युवक की जब तलाशी ली गई तो थैले से अमली पदार्थ गांजा होने की बात सामने आई, जिसके तहत पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले की छानबीन की। अकोला से संवाददाता शहीद इकबाल की रिपोर्ट। कल हमें गुप्त जानकारी मिली थी कि एक किस्म एक आदमी एक फुट स्टैंड एरिया में कुछ गांजा लेके आने वाला है। उसकी कार्रवाई हमने माननीय पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह सर, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे सर, SDPO श्री सतीश कुलकर्णी सर, इनके मार्गदर्शन में वहाँ सापड़ा कार्रवाई रखी थी। उसमें आरोपी नामे शेख इकराम शेख रशीद, इसको दो बैग के साथ हमने ताबे में लिया। पंचक के सामने उसकी झड़ती लेने के बाद उसमें उसके पास 28 किलो 193 ग्राम का गांजा मिला। उसकी कीमत 4,22,895 रुपये